कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ तो हम लोग का नाश्ता पानी हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। 120 किलोमीटर और है यहाँ से, तो जल्दी ही पहुँचते हैं। 100 किलोमीटर आराम से एक सवा घंटा में दो घंटे पहुँच जाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। दो घंटे दिखा तो रहा, किस बात का जाम है भाई। तो भाई लोग अभी यहाँ से है 1 घंटा और हम हैं अजीतगढ़ की रूट पे। गर्मी बहुत लगने लगी अचानक से, क्या ठंड से गर्मी में आ गया ना, थोड़ा भक सा मार गया था, तो थोड़ा सा सोचा पानी वगैरह पी लें, तो अभी पानी वगैरह पिया है। तो ढूंढते हैं कोई सिकंजी वाला मिल जाए, तो एक बार सिकंजी, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और भाई जो भी आ रहा भाई गाड़ी अपना आराम से चलाएं, बकलोल की तरह यहाँ गाड़ियाँ चला रहे सब। गर्मी तो लग रही है बट लेकिन जो रास्ता है और व्यू है ना, उसका अलग ही मज़ा आ रहा है। बट लेकिन जो यहाँ के लोकल जिस तरह से गाड़ी चला रहे हैं ना भाई, सही बताऊँ बहुत ही बकवास गाड़ी चला रहे हैं, बकवास। और यहाँ से खाटू श्याम है जैसे मैंने बताया 50 से 54 किलोमीटर। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, रास्ते में ना जो जिस रास्ते से हम लोग आए वो बाइक वाला रास्ता ब्लॉक है, तो अगर कोई कार से आ रहा है तो ध्यान से देख के आए, क्योंकि हम तो गली कुच्ची के बीच में से आ गए। सर में ना ये जीप देखने के लिए बहुत मिलती है, फटी पुरानी सीट की लेके भी आदमी चलाते रहता है।
त्रिवेणी धाम। बकवास गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे लोग, ससुर के सड़क पर। भाई लोग हम लोग खाटू से हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे और गर्मी भी बहुत ज़ोरदार की लग रही है। अंदर बड़ी है बट लेकिन हमें अपनी बाइक पार्किंग देखनी है सेफ जगह पे। कोई पार्किंग तो दिख नहीं रही है ढंग की। वही मैं भी सोच रहा हूँ। कोई होटल भी नहीं दिख रहा। सुन ना, वहाँ एक होटल है, वहाँ नहीं लगा दे। आगे जाने में मना है ना कि गाड़ी जाएगी नहीं ना। बाइक तो जा रही है ना, कार नहीं जा रही है, बाइक तो जा रही है। बाइक जो लोकल की जा रही है शायद। लोकल हो बाइक तो जाएगी। होटल का है ये रहो सारे। होटल का है? होटल नहीं है ये। नहीं नहीं होटल नहीं है। आपका चैनल है? हाँ हम लोग का चैनल है। नाम क्या है? ये देखो रोमिंग ईगल। रोमिंग ईगल, रोमिंग ईगल। अरे रुक जाओ, R O A M I N G, रोमिंग। फोटो खींच लो। रोमिंग ईगल, ठीक है चलो। आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अरे थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? हाँ सब्सक्राइबर्स कितने हैं? तुम खुद देख लेना। छोटे छोटे बच्चे सब भी अभी हमारी चल रही है कि हम अपनी बाइक कहाँ पार्क करें। डिस्कशन ये सारी घूम के उधर ही जा रही है। अरे छांव में खड़ी कर रही है, छांव में। मिलेगी क्यों नहीं? पूछ के आता हूँ पुलिस वाले से। अंदर पता नहीं। चलो चलो, एक्चुअली क्या नाम, लोग बाइक पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बाइक पार्किंग मिल नहीं रही है।
उम्मीद से ज़्यादा है, सोचा नहीं कभी इतनी भी हो। वो रही इधर 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 मंदिर कितनी दूर है? 200 मीटर। 200 मीटर। चलो इसमें हाँ ओला कंपनी के गुरुजी हाँ ओला कंपनी के हाँ वो इनफील्ड है ना, ये दोनों इनफील्ड है, वो एसडी है जावा वाली। कितने रुपए पार्किंग है ये? 50। बल्ले ओ बल्ले तेरे, दिल्ली से यार भैया फिर आप तभी तो बोल रहा है अभी कीड़ा हो जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के रास्ते में, अभी जा रहे हैं मंदिर, ठीक है। तो है जहां बाइक पार्किंग की है वहां से 200 मीटर तो होगा ही, 200-300 किलोमीटर होगा भाई। हम तो झूठ बोला लगता आगे पीछे वाले आदमी ने, हमें झूठा मान लो हमसे धोखा दे दिया। 1 किलोमीटर तो होगा। क्या बना रहे हो? आ रहा है फ्रेम आ रहा है, फ्रेम आ रहा है, फ्रेम क्या बना रहे भैया? अरे ये तो कुछ नहीं है। इधर आ इधर आ, बढ़िया तुम्हें इधर आ इधर इधर क्या बना रहे भैया? क्या है भैया, क्या बना रहे? ब्लॉगर ब्लॉगर भैया। हाँ हाँ नाम क्या भैया? तो है बढ़िया है, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है अंदर जाके, ठीक है। भीड़ तो बहुत सारी है, मिलते हैं अंदर। मंदिर का रास्ता किधर है? राइट में। ज़्यादातर जो मार्केट है वो एक्सेसरीज वाला ही है, खाने पीने का तो अभी कमी दिखा है, और प्रसाद वाले काउंटर थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे अगर कुछ मिलता है। मिला मिष्ठान भंडार कुछ देर बाद, मिष्ठान भंडार तो है, थोड़ा गंदगी बहुत है भाई यहाँ पे, साफ़ सफाई की जो है ना व्यवस्था कम है इस साइड। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी। चलते हैं जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर में दर्शन करते हैं, और क्योंकि हमें जल्दी से निकलना भी है भाई। अभी तक हम लोग मंदिर के पास पहुंचे नहीं हैं, पैदल चल के जाना पड़ता है दूर में, और जूते रखने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, आपको किसी दुकान में ही जमा करनी पड़ेगी जूते। और जहाँ पे आप जूते जमा कर रहे हो सोच समझ के जमा करना, क्योंकि जिस साइड से आपका एंट्री है उस साइड से आपका एग्जिट नहीं है, एग्जिट विल बी फ्रॉम डिफरेंट साइड। तो अगर मान लीजिए आप, हम लोग जिस साइड से अभी आ रहे हैं, हमने कहा 100-200 मीटर तो दूर जूते रखे होंगे, है ना,
अब हमें ये मान लीजिए जिस रास्ते में जा रहे हैं फिर वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा अपना जूता लेने के लिए। तो मेरी राय रहेगी नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो जहाँ पे एग्जिट है वहीं पे किसी दुकान पे जूते रख दे, ठीक है, नहीं तो फिर उल्टा वापस घूम के आना पड़ेगा। तो बने रहिए साथ में, चलते हैं मंदिर के। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा यहाँ पे। कैसे लग रहे तत्ते तत्ते हैं सुमित भाई, कैसे लग रहे तत्ते तत्ते? मजा आया भाई, तत्ते तत्ते आनंदम आनंदम। जल गई पैर, जल गई लोग। अब मंदिर के जो एंट्री साइड है वहां पहुंच गए हैं, ये देखिए किस तरह की व्यवस्था है। और भाई फूल उल लाने की कोई भी जरूरत ना करें, कूड़े दान में चला जाएगा वो फूल, ठीक है, तो आपके अननेसेसरी पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल से कमाते हैं, फूल आपके कूड़े दान में जाएंगे। तो चलिए श्रद्धा भाव से आइए, भगवान के दर्शन करिए और चलते हैं फिर घर। आपको दर्शन कराते हैं लेकिन जहाँ तक पता लगा है कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आगे। भाई हेलीकॉप्टर का पंखा देख, अल्टीमेट है, ले जाएंगे घर में लगाएंगे। नहीं घर में नहीं, हेलीकॉप्टर पे। छाले हो गए नहीं हुए? तो भाई लोग अपना हो गया है दर्शन सारा। सीट बहुत ज़्यादा गर्म है, अरे रब्बा। दर्शन अच्छे से हो गए बट लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उनका थोड़ा मैनेजमेंट सही नहीं था, धक्का दे रहे थे भाई, थोड़ा वो वीर्ड सा लगा, बाकी सब ठीक ठाक था। और रही बात खाटू श्याम जी के मंदिर की, इसका हल्का सा विवरण मैं आपको दे देता हूँ। 1000 पुराना, 1000 साल पुरानी मंदिर है ये। 1720 में अभय सिंह जी ने बनाया था, ये पुनर्निर्माण किया था एक्चुअली। और जो खाटू श्याम जी है एक्चुअली इनका ये जो है, हाँ हाँ सच मैं क्या बोल रहा था, खाटू श्याम जी जो है वो एक्चुअली जो भीम के पौत्र है ना, उनके पुत्र हैं। तो जो और इनका एक्चुअल नाम जो है हम लोग पहचानते हैं वो बर्बरिक नाम से है। तो बर्बरिक जी का जो सिर है मतलब सर वो यहाँ पे है, धड़ है हरियाणा में। अब हरियाणा में एग्जैक्ट जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है बट जो सर है वो यहाँ पे है, सिकरी नाम का कस्बा है ये, यहाँ पे है। तो बस यही था कहानी खाटू श्याम का। ग्लव्स सीट ठंडा कर रहा है, पूरा गर्म हो गया भाई अपना।
भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। चलो सर, गर्मी हो या सर्दी हो, हमारा जो काम है वो हम करते हैं, आप लोगों को अच्छे अच्छे जगह का व्यू दिखाते हैं, प्लस मंदिरों का दर्शन कराते हैं, ये हमारा काम है। तो आपसे यही अनुरोध है कि भाई हमारे काम को सपोर्ट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा जो भी है कमेंट करना है कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी है जैसे मैंने पहले बताया। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं, रात के 9 बज जाएंगे पहुँचते, क्योंकि हमें पता है हम रुकते रुकते जाएंगे, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अनदर व्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोमिंग ईगल प्रवीण। भाई एक फोटो ले ले, फोटो फोटो तीनों का यहीं ले लेते, वहां खड़े होके सुनना सुनना सुनना, वहां हम तीनों खड़े होते एक फोटो ले देना भाई, यहां पे यहां पे यहां पे बैक साइड करके। नहीं भाई एक फोटो ले देना तुम्हारे फोन से, देखना बाइक वगैरह पीछे का वो गेट भी आ जाए। ठीक है ठीक है, चले चार्ज है तेरा फोन, तेरा फोन चार्ज है ना, मुझे केबल दे दे मैं लगा लेता हूँ, सी टाइप। हाँ, रुक रुक।